दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वोकेबुलरी की एक और पॉडकास्ट के अंदर। हमने दो पॉडकास्ट पहले ही कर लिए हैं तो उनको आप देख लेना नहीं देखे हो तो। और ये तीसरा पार्ट है हमारा पॉडकास्ट क्लास का। और आपको पता ही है हम हर क्लास के अंदर 60 से और 50 की मीनिंग है उनकी रेंज में अपन मीनिंग्स की डिस्कशन करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के अंदर भी आपको 50 या 60 मीनिंग्स को देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सुनना है। देखने की कोई वैसी बात भी नहीं है, लेकिन देखो तो देख भी लेना, मेरा चेहरा देख बकरो तो क्या देखोगे। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टू प्ले फॉर मनी, जुआ खेलना या पैसों से खेलना। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, गेमलिंग का मतलब होता है जुआ या पैसों से खेलना, या जिस पैसों से खेले जाते हैं गेम उन्हें हम ज़्यादातर जुआ ही कहते हैं तो उसे हम गेमलिंग कहते हैं। क्लोथिंग का मतलब कपड़े होता है। डिकोरेट का मतलब सजाना होता है, किस चीज़ को सजा रहे हो तो वो डिकोरेट हो गया। कस्टम का मतलब रिवाज होता है। हैबिट का मतलब आदत होता है। आपकी कोई अच्छी या बुरी आदतें हैं उन्हें हम हैबिट कहते हैं, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, तो अपने गुड हैबिट्स जरूर बताना कमेंट के अंदर। फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी ओला या ओले, जैसे बारिश के समय पे छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े पड़ते हैं साथ में, या छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स पड़ते हैं बर्फ़ के, तो उसे हम फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन कहते हैं यानी ओला। हेल्दी का मतलब स्वस्थ होता है। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना। एक क्लॉथ फॉर वाइपिंग द नोज यानी एक कपड़ा जिसे हम नाक को पूछते हैं यानी रुमाल। मेड बाई हैंड यानी हाथों से बनाया गया। गुड लुकिंग का मतलब होता है सुंदर, यानी कोई चीज़ या कोई पर्सन है वो सुंदर दिख रहा है तो आप कह सकते हो गुड लुकिंग यानी सुंदर। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। लाफिंग का मतलब होता है हंसना। हेडिटी को हम वसा गति कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन होता है, जो अचानक कोई चीज़ों में परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे सेल्स वगैरह में हमारे बॉडी में आते हैं जीनों में, तो वहाँ पे हम उत्परिवर्तन कहते हैं यानी म्यूटेशन सॉरी। जेनेटिक का मतलब आनुवंशिक होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है कोई सूचनाएँ वगैरह, तो उसे हम जेनेटिक कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब पुनर्योजन होता है। वेरिएशन का मतलब विभिन्नता होता है। कलरफुल होता है उसे हम रंग बिरंगी कहते हैं। वर्ल्ड का मतलब संसार या विश्व होता है। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता होता है। और क्वांटिटी का क्या मतलब होता है आप कमेंट में बताओगे, या आपके पास कोई इसका वर्ड है तो आप ज़रूर सोचना दिमाग के अंदर। सेल्फ सफिशियंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। फ्रॉग का हिंदी मतलब होता है मेंढक फ्रॉग यानी मेंढक। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। टिल्ट का मतलब होता है नत या झुकाव, यानी कोई चीज़ झुकी हुई है, जैसे आप कोई लकीर भी सार रहे हो, सीधी रेखा सार भी रहे हो, या थोड़ी बहुत आपने झुकाव दे दिया उसमें, थोड़ी सी आपने टेढ़ी कर दिया तो शाम टिल्ट कहते हो। बिलो का मतलब होता है नीचे। पेट नेम होता है प्यार का नाम होता है, या उसे हम पेट नेम कहते हैं। ओपी की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल पोस्ट। वैसे ओपी की फुल फॉर्म और भी यूज़ में ली जाती है, लेकिन ओपी का ओरिजिनल पोस्ट है वो ज़्यादा टाइम होता है यूज। दोस्तों अगले मीनिंग की ओर बढ़े उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को या इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही कमेंट में ज़रूर बताना। हमने पहले आपको कमेंट करने के लिए बहुत बोला है, तो वो मीनिंग्स है, या कोई और भी कमेंट करना चाहते हो आप पॉडकास्ट के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे पॉडकास्ट बहुत आते रहेंगे और आपको चैनल पे इंग्लिश वोकेबुलरी के लिए एक एक ऐसे मीनिंग्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और फिलहाल अभी भी बहुत सारे मीनिंग्स चैनल पर है जिनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, बेल और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट जरूर कर लेना। दोस्तों अगला मीनिंग है यूट्यूब। यूट्यूब का मतलब होता है तुम भी। जिलेटिन का मतलब हड्डियों को पानी में उबाल कर प्राप्त किया गया एक पदार्थ है जिसे हम जिलेटिन कहते हैं। वन वीक एगो को हिंदी में एक सप्ताह पहले कहते हैं। इसे आप मीनिंग भी इसे और सेंटेंस भी बना सकते हो या और वर्ड भी बना सकते हो, जिसे वन डे एगो यानी एक दिन पहले, ऐसे आप बना सकते हो। आप बहुत समझदार हो, मुझे पता है आप बना लोगे बहुत सारी। एक्स वाइफ का मतलब होता है पूर्व पत्नी, इसे भी आप बना सकते हो वर्ड से। डिवोर्स का मतलब तलाक होता है। एक्स हस्बैंड का मतलब पूर्व पति होता है। हॉर्मोन्स का मतलब हॉर्मोन्स ही होता है हिंदी में, इसके अलावा इसे आंतरिक रस भी कह सकते हो। हॉर्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, और लगभग हमारी बॉडी की जितनी भी क्रिया है वो लगभग हॉर्मोन्स की मदद से होती है। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। माई हार्ट का मतलब होता है मेरा दिल। मेरा दिल आप मतलब किसी से ज़्यादा चाहते हो किसी को, या आप बहुत किसी से प्रेम करते हो, लगाव रखते हो, तो आप उसे भी कह सकते हो माई हार्ट। इसके अलावा आपका हार्ट तो एक बॉडी का ऑर्गन है ही। इसके अलावा स्टेप फादर का मतलब सौतेला पिता होता है। स्टेप मदर का मतलब सौतेली माँ होता है। स्टेप डॉटर का मतलब सौतेली बेटी होती है। स्टेप सन का मतलब सौतेला बेटा होता है। इसे स्टेप जोड़ के आप और जिसको भी आप सौतेला बनाना चाहते हो वो आगे लिख सकते हो, तो इसे वर्ड्स बन जाते हैं।
OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, और ये तो बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, यानी OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का मतलब होता है विलंबित जन्मदिन मुबारक हो या बीता हुआ जन्मदिन मुबारक हो। हार्ट टचिंग का मतलब होता है दिल को छू जाने वाला। स्टाइल का मतलब होता है बांज या बंजर होती है, उस यहाँ पर स्ट्राइल कहते हो, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं तो उनको हम स्ट्राइल कहते हैं। इसके अलावा ग्रेडी का मतलब हो गया लालची या लोबी। हैकनीड का मतलब हो गया घिसा पीटा, मामूली या कोई साधारण है, उस यहाँ पर हैकनीड कह सकते हो। क्यूपीडिटी का मतलब होता है लालसा, लोभ, यानी किसी व्यक्ति को किसी की लालसा है कोई चीज़ की या लोभ है, तो उस यहाँ पर क्यूपीडिटी कहते हो। फेस्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा, कठिनता से तृप्त होने वाला व्यक्ति होता है, उस यहाँ पर फेस्टिडियस कह सकते हो। अलोरिंग का मतलब होता है आकर्षक या मनोहर। इसके अलावा आकर्षक और मनोहर को आप एट्रैक्टिव भी कह सकते हो, एट्रैक्टिव। इसके अलावा डिस्पिकेबल का मतलब होता है लालची या लालची नहीं सॉरी नाली का कीड़ा होता है या गिनोना कोई होता है, उसे आप डिस्पिकेबल कहते हो। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण। जिस दोस्त ने फिजिक्स पढ़ रखी है ना, वो पोलराइजेशन से अच्छे से परिचित होगा। दोस्तों अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अपन मीठा सोडा कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ या आ जाओ या यहाँ आइए, मतलब आप किसी को बुलाना चाहते हो अपने पास तो आप कम हेयर कहोगे वहाँ पे। क्रेप्स का मतलब होता है मरोड़ या एंठन, यानी पेट दर्द करता है तो इसे मरोड़ और एंठन वगैरह आती है, तो इसे हम क्रेप्स कहते हैं। नाइस कपल का मतलब होता है सुंदर जोड़ा, यानी कोई वाइफ और हस्बैंड है वो साथ में अच्छे लग रहे हैं या अच्छे उनकी जोड़ी है, तो उसे आप नाइस कपल कहोगे, वैसे सभी नाइस कपल ही होते हैं। पर्पल का मतलब होता है बैंगनी, बैंगनी रंग होता है, जामुनी रंग होता है, उसे अपन पर्पल कहते हैं। जैस्मिन का मतलब होता है चमेली का फूल। दोस्तों अपन चमेली के फूल के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अपने दोस्त परमेश्वर को दीजिए इजाज़त इस पॉडकास्ट को एंड करने की। साथ ही ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना या पॉडकास्ट को लाइक कर देना। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नई जानकारी के साथ। सब के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही शिक्षा PM तक को देखते रहिए और सुनते रहिए। दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो वो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।